अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। नेताजी और मेयर साहब को जो चार मिसरे बहुत पसंद आए हैं, उन्हीं चार मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं। हाय हाय हाय, बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं। मेयर साहब को नस कर दीजिए, उन्हीं का शेर है, उनके हवाले। आवाज बढ़ा दीजिए भाई, आवाज बढ़ाइए भाई। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। क्या बात है। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। और चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, इशारे का चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। अरे बहुत अच्छे भाई, लेकिन कलीम गड़बड़ साहब, मोहतरमा चांदनी शबनम कह रही है कि माले गांव में जुमा को जाती है बीबियां छुट्टी पे। वाह भाई वाह वाह, माले गांव में जुमा बहुत कमजोर पड़ रही है, बहुत कमजोर, नर्वस हो जाएगा कोई भी शायद। उठाइए थोड़ा सा कि चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। और चार मिस्र ये भी समाप्त कर ले के नायक के, इज्जत तो घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए। आए है इज्जत तो घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। अच्छा, इज्जत तो घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए। और बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाए। जिंदाबाद, ये अच्छा है। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दी। कलीम गड़बड़ साहब, लेकिन एक साला है सात साली है, मेरी किस्मत बहुत निराली है, और सबको शॉपिंग मुझे कराना है, हाय किस्मत के जेब खाली है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई वाह वाह। इज्जत को घर के चूल्हे में जल जाने दीजिए, गैरत को मेरी थोड़ा उबल जाने दीजिए, बेगम का सिर्फ मैं ही करूंगा मुकाबला, सालों को पहले घर से निकल जाने सालों को पहले घर से निकल जाने दीजिए। और चार मिसरे ये भी समाप्त कर ले कि एक परेशान हाल बीवी की शिकायत, और उसके काम चोर शोहर की उसको तसल्ली, के डिब्बे घर के हैं सब खाली, डिब डिब डिब। क्या बोल रहे आप? ये कैमरा की तादाद ज्यादा है, लेकिन क्या कीजिएगा कि ये पूरी दुनिया को दिखाना भी है। मैं कैमरे वाले से गुजारिश करता हूँ कि मुमकिन हो सके तो थोड़ा उन लोगों को देखने के लिए रास्ता फराहम करें, और शायद मुझे लग रहा है कि पीछे तक आवाज नहीं जा रही है, तो ऑपरेटर से मेरी गुजारिश है कि माइक में गूंज पैदा कर दे थोड़ा। जी अता कर, डिब्बे घर के हैं सब खाली, डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है। डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है, बोली बेगम फिक्र नहीं है यार अब कैसा बंदा है। डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है, बोली बेगम फिक्र नहीं है यार अब कैसा बंदा है, और शोहर भी क्या कम था यारो, आशिक था सलमान का वो। डिब्बे घर के हैं सब खाली, चौपट उसका धंधा है, बोली बेगम फिक्र नहीं है यार अब कैसा बंदा है, शोहर भी क्या कम था यारो, आशिक था सलमान का वो, बोला बेगम फिक्र ना कर तू, अभी ये टाइगर जिंदा है। टाइगर का जवाब नहीं भाई, वाह भाई कलीम गड़बड़ साहब वाह, बोला बेगम फिक्र ना कर तू, अभी ये टाइगर जिंदा है। और चार मिसरे भी समाप्त कर ले, देखना भाई टाइगर के, घर को घर की अनबन जिंदा रखती है, घर को घर की अनबन जिंदा रखती है, डोके को ये उलझन जिंदा रखती है, घर को घर की अनबन जिंदा रखती है, डोके को ये उलझन जिंदा रखती है, और घर में बीवी जान हमारी लेती है। घर को घर की अनबन जिंदा रखती है, डोके को ये उलझन जिंदा रखती है, घर में बीवी जान हमारी लेती है, बाहर विद्या बालन जिंदा रखती है। वाह, बाहर विद्या बालन जिंदा रखती है। और चार मिसरे हैं कि लॉकडाउन में दोस्तों हर कोई परेशान हाल नजर आ रहा था,
अमीर हो गरीब हो हर कोई परेशान नजर आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वो नौजवान नजर आ रहे थे जिनकी शादियों की तारीखें तो फिक्स हो गई थी मगर शादी नहीं हो पाई। अच्छा है। ऐसे ही एक नौजवान की रुदात उन चार मिसरों में बयान करता हूं कि तमन्ना तमन्ना रत जगे की ख्वाब में ही जल गई मेरी, तमन्ना रत जगे की ख्वाब में ही जल गई मेरी, अबे हर शाम क्या हर रात ही वो जल गई मेरी। तमन्ना रत जगे की ख्वाब में ही जल गई मेरी, मियाँ हर शाम क्या हर रात ही वो जल गई मेरी, वो वरना घर में रहकर कुछ तो आबादी बढ़ाता मैं। तमन्ना रत जगे की ख्वाब में ही जल गई मेरी, तमन्ना रत जगे की ख्वाब में ही जल गई मेरी, मियाँ हर शाम क्या हर रात ही वो जल गई मेरी, वरना घर में रहकर कुछ तो आबादी बढ़ाता मैं। कोरोना की महामारी में शादी टल गई मेरी, शादी टल गई मेरी, और कुछ हादसा ऐसे भी हुए जिनकी शादी हो गई जैसे तैसे, उनके साथ क्या हादसा हुए कि ये गुफ्तगू इश्क अधूरी रखो मियाँ, ये गुफ्तगू इश्क अधूरी रखो मियाँ, हलवा मिठाई और कचोरी रखो मियाँ, ये गुफ्तगू इश्क अधूरी रखो मियाँ, हलवा मिठाई और कचोरी रखो मियाँ, और कानून का पालन भी जरूरी है इसलिए दोनों के दरमियाँ भी दूरी रखो मियाँ, दरमियाँ भी दूरी रखो। यहाँ तरन्नुम लोग ज्यादा समझते हैं, बस सीधे आ जाइए। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है जी, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, सुने दोस्त। हाँ, एक चार मुस्लिम तरन्नुम में सुन ले जी, दिहायना है तरन्नुम में। वाह। आई कतरीना, आई कतरीना, आई है आई कतरीना कभी ख्वाब में रानी आई, आए है, है। आई कतरीना कभी ख्वाब में रानी आई, यक बयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई, यक बयक उनको बुढ़ापे में जवानी आई, और आज फिर टीवी पे रेखा को मचलते देखा, आज फिर याद मेरे नाना को नानी, अरे बाबा, आज फिर याद मेरे नाना को नानी आई आई। आइए पेरोडी का हुक्म है, सुनिए दोस्तों। हाय हाय। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है, पल भर में हो जाता है बटवा खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है, दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। भाई माइक थोड़ा सा, बिल्कुल आवाज बहुत ठीक है, थोड़ा ज्यादा करवा दीजिए माइक भाई। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े, एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है पड़ता है। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना पड़ता है। ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। घर कहो इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससरा कभी साला। घर कहो इसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी है यारो मेरा टकला बनाते हैं। मुर्गा 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 पड़ोसी का चुराना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, अच्छा है। अरे वाह भाई, वाह वाह।